व्हाट्सअप गाइज, आप लोग कैसे हो? आई होप बढ़िया एंड मस्त होंगे। तो आज आपका आदित्य भाई आप लोग के लिए वीडियो स्पेशल लेकर के आ चुका है। जैसा कि आप लोगों को डिमांड था कि आदित्य भाई जो भी स्केच में प्रॉब्लम आती है, मतलब कि जो ब्लैक व्हाइट आ जाता है, मतलब जो व्हाइट सी पट्टी आ जाती है आप लोगों फोटो के पीछे, एंड उसके साथ साथ जो है कि आप लोगों क्वालिटी जो है कि कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उसके साथ में क्या होता है ना, आप लोगों फोटो में खींचते टाइम जो है कि ब्लरिंग टाइप का आ जाता है। उसके पहले जो है कि फोटो आप लोग का जो भी गैलरी में होता है एंड लाइट रूम में होता है, वो फोटो जो है कि अलग होता है, HD क्वालिटी में होता है। लेकिन जैसे ही आप लोग जो अपना फोटो ऐड करते हो स्केच बुक में, तो उसका जो क्वालिटी कम हो जाता है एंड ब्लर सा आ जाता है, और जो भी बैकग्राउंड के पीछे जो है कि व्हाइट सा लग जाता है। आखिर कैसे हटता है एंड क्या सेटिंग्स होती है एंड क्या क्वालिटी बढ़ाने की क्या सेटिंग्स होती है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एंड जो भी जो है कि फेस स्मूथ करते टाइम जो है कि ब्लैकनेस आती है, उसके बारे में भी आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला है। एंड जो है कि प्रॉपर जो है कि स्केच बुक और चलाने का आप सीख जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। प्रॉपर वीडियो जो है कि आप लोग लेके आ चुके हैं और पूरा फुल नॉलेज मिलेगा कि स्केच बुक में जो भी आप लोग को प्रॉब्लम होती है न्यू अपडेट में, वो सॉल्व कैसे करें एंड देन जो है कि सॉल्व करके अच्छे तरीके से बिना परेशानी के जो है कि अपने फोटो को स्मूथ कैसे करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो गाइज, आपका आदित्य भाई आप लोग के लिए वीडियो लेकर आया है, एकदम स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए। ये वीडियो आप लोग जरूर एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम प्रॉपर आप लोग देख लीजिएगा एंड देन उसके बाद जो है कि आप लोग प्रॉब्लम 100% जो है कि सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आदित्य भाई आप लोग जो भी प्रॉब्लम होता है उस पर ही वीडियो लेकर के आता है एंड आप लोग का प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है? तो चलिए आप लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो उसके पहले जो भी लोग हमारे चैनल पर नए होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका भाई आदित्य भाई ऐसे वीडियो लेकर के आता रहता है, ठीक है? चलिए चलते हैं स्क्रीन तरफ और बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जो भी आप लोग का प्रॉब्लम है सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सो गाइज, आप लोग देखिएगा, मैं एक फोटो ले लिया हूँ अपने गैलरी से, ठीक है? और सिंपली इसको स्केच बुक में लेकर के चलेंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि जो क्वालिटी कम होता है एंड जो कि व्हाइट पट्टी आ जाता है साइड से, वो कैसे ख़त्म करेंगे, सारा कुछ जो इस वीडियो में आप लोग क्लियर होगा। तो सिंपली देखिए, यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके और अपना फोटो लेकर चलता हूँ स्केच बुक में एंड स्केच बुक में आने के बाद देखिएगा कुछ इस तरीके से फोटो दिखेगा। आखिर क्यों ऐसा दिखता है, ये पहले वाला फोटो भी दिखता है एंड बाद वाला भी फोटो दिखता है। देखिएगा, यहाँ पे जूम इन करते हैं तो मेरा पहले वाला फोटो दिखने लगा, लेकिन पहले वाला फोटो से व्हाइट पट्टी दिखने लगा एंड जो है कि इसको जूम करते हैं तो वो वाला फोटो आ जाता है, जितना जूम करते हैं तो वह पहले वाला फोटो आ जाता है, ठीक है? एंड देन देखिए अभी क्या होता है, एंड देखिए आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोग लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके और जो कि लेयर वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं तो पहले वाला फोटो आप लोग डिलीट भी कर देते हैं तो आप लोग क्या होता है ना, व्हाइट पट्टी दिखता ही रहेगा, ठीक है ना? तो आप लोग देख पा रहे हो कि डिलीट भी हुआ है एंड पट्टी देखिए कैसे कर रहा है, ठीक है ना? ये बहुत बड़ा झंझट है, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हो कि ये मेरा प्रॉब्लम भी है एंड मेरा भी है, ठीक है? तो कैसे करके मैं अपना ठीक किया हूँ एंड आप लोगों का ठीक होगा। आप लोग देखिए, जो भी ये पट्टी आ रहा है सब कुछ जो है कि खत्म होगा, ठीक है ना? बस आप लोग वीडियो को देखिए, ठीक है? तो देखिए आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो भी देखिए क्वालिटी भी कम हुआ है, ठीक है ना? तो एंड देन क्वालिटी कम हुआ है उसके लिए आप लोग क्या करना होगा, सबसे पहले चलिए क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंपली आप लोग क्या करना, देखिए इधर कोने में आप लोग एक ऑप्शन दिखता है, ठीक है ना? सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड आप लोगों को ऊपर के साइड आप लोग एक ऑप्शन दिख जाता है न्यू स्केच, ठीक है ना? तो सिंपली आप लोग न्यू स्केच पे क्लिक करते हो तो देखिए आप लोग को इस तरीके से ऑप्शन खुल करके आ जाता है, 1080 एंड 2331 एंड कुछ इस तरीके से ऑप्शन आता है, ठीक है ना? तो सिंपली आप लोग क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप लोग देखिए इस पर क्लिक कर लेना आप लोगों को, ठीक है ना? इस पर क्लिक करते हैं एंड इस पर क्लिक करते हैं, देखिए आप लोग का फोटो का जो भी साइज हुए जो होता है ना, वो जो कि यहाँ पे खुल करके आ जाता है। तो सिंपली आप लोग क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप लोग को 4K दिखेगा आप लोग को एक जगह पे, तो सिंपली आप लोग को 4K पे रख लेना है, ठीक है ना? तो अभी मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आप लोग को एक 4K वाला ऑप्शन आ जाता है, ठीक है ना? देखिए इस सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करके और अपने इसका साइज को जो है कि 4K पर रख लेना, ठीक है? तो सिंपली आप लोग देखिए फिर से जो है कि आप लोग इस पर क्लिक करते हैं एंड क्लिक करते हैं न्यू स्केच पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 4K वाला साइज लगा हुआ है, ठीक है ना? एंड देन जो भी हो गया क्वालिटी आप लोग को अभी मैं दिखा रहा हूँ, देखिए क्वालिटी अब नहीं एकदम पानी जैसा दिख रहा है, ठीक है? अभी आप लोग हम दिखा रहे हैं दूसरा फोटो ऐड करके एंड देन देखिए जूम करने के बाद ये व्हाइट पट्टी आ जाता है एंड कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाता है, क्वालिटी कम होने वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है, ठीक है? अभी आप लोग को हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना? तो देखिए ये जो व्हाइट से पट्टी आया है एंड जो ये व्हाइट से ऊपर आ जा रहा है फेस पे, वो भी कैसे खत्म करेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे आप लोग फिर से कोने में क्लिक करेंगे, ठीक है? एंड कोने में क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे भाइयों एंड मेरे प्यारे मित्रों एकदम 100% जेन्युइन ट्रिक है, नहीं होगा तो आप लोग बोलिएगा कि आदित्य भाई नहीं हुआ, ठीक है ना? एंड देन आप लोग जो करना होगा वो कीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है ना? बट देखिए आप लोग क्या करना, देखिए उसके बाद जो आप लोग को इम्पोर्ट फाइल पे क्लिक कर लेना, ठीक है? एंड यहाँ पे इंपोर्ट फाइल फ्रॉम क्लिक करके और देखिए कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है, ठीक है ना? तो सिंपली आप लोग क्या करना मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, स्केच अपडेटेड एंड सेव करंट स्केच एंड यहाँ पे डिस्क्रेट
करंट स्केच, ठीक है। तो देखिए आप लोग क्या करना है, सिंपली आप लोग को जो कि यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी ये लास्ट वाला ऑप्शन है ना, इसको आप लोग को चूज करना है। एंड इस पर चूज करने के बाद आप लोग को यहाँ पे डिस्क्रिएट पे क्लिक करके और आप लोग को डिस्क्रिएट कर देना, ठीक है। एंड डिस्क्रिएट करने के बाद आप लोग को एक चीज़ करना है, अब जो है कि अपना फोटो जो है कि यहाँ पे ऐड करना, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वो वाला फोटो मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा आप लोग, यहाँ पे मैं अपना फोटो ऐड करता हूँ, सिंपली आपसे क्लिक करो। यहाँ से देखिए आप लोग डायरेक्टली स्केचबुक ओपन होता है, होने के बाद जो है कि आप लोग को कुछ भी नहीं लगा, ठीक है। और कितना हो जूम करेंगे और कितना क्वालिटी के साथ हुआ है ऐड आप लोग देख पा रहे होंगे। और पीछे कितना हुआ आप लोग जूम कीजिए, आप लोग को वाइट पट्टी जो आ रहा था ना वो आप लोग को 100% नहीं आएगा, ठीक है। तो सिंपली आप लोग को इसी टाइप पर ये वाला सेटिंग करना है, ठीक है ना। जो है कि आप लोग एक बार जैसे किए हैं वीडियो जाकर के पीछे देख लीजिएगा, एंड जो है कि वैसे आप लोग जरूर कीजिएगा। एंड यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, लेयर पर क्लिक करके ना, और यहाँ पे आप लोग हमेशा देखते रहना, जो एक्स्ट्रा लेयर होगा उसको आप लोग को डिलीट करते रहना, ठीक है। सिंपली जो है कि एक ही फोटो लेकर के आप लोग को चलना है जो आप लोग ये लिए हैं, ठीक है ना। जो इसी फोटो को आप लोग मतलब जिस फोटो को आप लोग एडिटिंग करना है सिर्फ वही लेयर में रहेगा, एंड एक्स्ट्रा लेयर आप लोग को यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है ना। एंड देन यहाँ पर जो भी फिर से जो है कि आप लोग आ जाता व्हाइट पट्टी, तो सेम आप लोग काम कीजिए, आप लोग को हट जाएगा, ठीक है ना। तो जो है कि मुझे पता है कि आप लोग कर लोगे, इतना आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। एंड जो भी क्वालिटी है हाई क्वालिटी में होगा। एंड यहाँ पर लाइब्रेरी पर क्लिक करके एंड देन जो है कि में आ करके, ठीक है, और ये ब्रश चूज करके और सेटिंग पे क्लिक करके इतना आप लोग सेटिंग रख लेना है। एंड जो है कि अच्छे तरीके जो है कि आप लोग स्मूथ कर लेंगे, मैं डेली यही बताता हूँ, ठीक है। एंड जो है कि आप लोग ब्रश साइज चेक करके अच्छे तरीके जो है कि स्मूथ कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा ब्लैक अगर नहीं आएगा एंड क्वालिटी तो 100% नहीं कम होगा, ठीक है ना। 100% कर रहा हूँ कि अगर काम कर लेते हैं तो आपको क्वालिटी कम नहीं होगा, और जो भी व्हाइट पट्टी आता है नहीं आएगा, ठीक है। तो जाइए ये वाला काम आप लोग ये वाला सेटिंग कर लीजिए, एंड आप लोग भी स्केच बुक अच्छे तरीके से चलाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो अपने वीडियो को अपने भाई को चलो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका भाई ऐसे ऐसे वीडियो लेकर के हमेशा आता रहता है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।